संत बानी परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज की मधुर याद में आज हम जिस महान आत्मा की याद में बैठे हैं, वह महान आत्मा इस संसार में उस समय आई जब यह दुनिया पत्थरों और पानी को पूजने लग गई थी। यहाँ तक कि गुरु नानक जी ने जो काफ़ी दूर पैदल चलकर लोगों को नाम शब्द का उपदेश दिया, बहुत कष्ट उठाकर आत्मा को समझाया कि वह परमात्मा आपके शरीर में है, बाहर नहीं। लोग वह भी भूल चुके थे, पत्थर पूजते थे और पत्थर दिल हो चुके थे। उस समय सावन सिंह जी महाराज जी का पंजाब के गांव महिवा सिंहवाला में आगमन हुआ। उन्होंने तहे दिल से नाम शब्द के छींटे दिए, लोगों को समझाया कि वाणी क्या कहती है और यह किस प्रकार एक और वाणी को समझाती है। सबको प्यार से समझाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेद मिटाया। शारीरिक रूप से तो आप पश्चिम में नहीं गए, लेकिन अपनी रूहानी ताकत से पश्चिम के लोगों को जगाया। यह नहीं कि सपनों में दिखाई दिए, सामने होकर भी अपने बारे में बताया कि किस प्रकार मैं आपसे हमदर्दी करता हूँ, किस प्रकार मैं आपको लेने आया हूँ। कहने का भाव, वह महान आत्मा इस संसार में हमेशा ही आती है। संतों के बिना संसार सूना नहीं हो सकता, वह हमेशा ही आते हैं। जिन आत्माओं के अंदर परमात्मा को मिलने का शौक होता है, वह हमेशा ही खींची हुई इनके पास चली आती है। अपने सत्संग में सावन सिंह जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि जो लोग यह कहते हैं कि हमारा मुकदमा दूर हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए या बेरोजगारी दूर हो जाए, उन्होंने संत मत में से क्या लेना है। वह अपने घर बैठे रहें, तकलीफ ना करें, क्योंकि संत मत प्रेमियों का मत है, भक्तों का, मालिक के प्यारों का, अपने आप को सुधारने का मत है। जिन्होंने अपनी आत्मा को प्रभु से मिलाना है, उनके लिए यह मार्ग कारगर होता है। इसलिए हम उस महान आत्मा के आगे माथा टेकते हैं जिन्होंने कलयुग में आकर तपते हुए जीवों पर नाम के छींटे मारे, आत्मा को ठंडक पहुंचाई। बहुत लोगों को पता है कि उस साल मतीरे बहुत हुए थे, क्योंकि उस साल बारिश बहुत हुई थी। हिंदुस्तान में उस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और नहरों का प्रबंध भी उस समय नहीं था। सावन का अवतार हुआ तो सारे हिंदुस्तान में बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, अच्छी फसल हुई, हर इंसान को पेट भरने के लिए अन्न मिला। जिस तरह परमात्मा ने उनके आने की खुशी मनाई, उसी तरह उन्होंने भी नाम के खजाने लोगों को खुले दिल से लुटाए और अपने घर का पता बताया। उन्होंने सबको बताया कि मैं इस स्वरूप में तुम्हारे अंदर बैठा हूँ और तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ। हर मुल्क और जात पात के भेदभाव के बिना आपने उपदेश दिया। आपके सत्संग में कोई लेबल नहीं हुआ करता था। जहाँ पर लोग जय देवा, राम राम, राधा स्वामी बोलते थे, वहाँ सो निहाल के जयकारे भी छोड़ते थे, क्योंकि आप सब धर्मों से प्यार करते थे। आप खुले दिल से कहा करते थे कि परमात्मा ने कोई मजहब नहीं बनाया, कोई समाज नहीं बनाई। इंसान खुद धर्म समाज बनाकर
और इसकी शरण लेकर परमात्मा से दूर हो जाता है। संतों का उपदेश कुल आलम के लिए होता है। आपने अपने गुरुदेव बाबा जैमल सिंह जी की आज्ञा अनुसार बहुत मेहनत की, उनका हुक्म माना। आप में बहुत नम्रता हुआ करती थी। आप हमेशा यही कहा करते थे कि बाबा जी दया करो। सत्संग में कई बार यह कहा करते थे कि अगर बाबा जी मुझे शारीरिक रूप से मिल जाएं, तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। आप में गुरु भक्ति का प्यार कूट कूट कर भरा हुआ था। आपने अपने गुरुमुख सेवक महाराज कृपाल सिंह जी को भी वही प्यार बख्शा, वही नम्रता बख्शी और वही दांत लुटाने के लिए उन्हें तैयार किया। महाराज कृपाल सिंह जी ने भी खुले दिल से दुनिया में नाम की दांत लुटाई। जो भी मौका हमें उनके चरणों में बैठने का मिला और उनके सत्संग सुनने से यही पता लगता है कि आपके दिल में से भी सदा सतगुरु प्यार फूट फूट कर बाहर निकलता था। जुबान पर सावन का नाम होता था। सावन का नाम लेकर आँखों में आंसू निकल आते थे, रो पड़ते थे। वह महान थे। आप उनकी सारी जिंदगी का इतिहास पढ़कर देख सकते हो। जिनको उनके चरणों में बैठने का मौका मिला है, उनको तो मालूम ही है कि आपके अंदर कितना गुरु प्यार था, कितनी गुरु भक्ति थी। लोग उनसे आकर कहा करते थे कि आप हमारे अंदर आते हैं, हमें आपके दर्शन होते हैं, लेकिन वह कहा करते थे कि यह सब हुजूर महाराज जी दया है। वह अपना आप जाहिर नहीं किया करते थे। मेरी ज़िंदगी का वाक्या है, मुझे मिलने से एक साल पहले मेरे अंदर स्वामी जी के रूप में आया करते थे। स्वामी जी की फ़ोटो बहुत लोगों ने देखी है। उनकी लंबी दाढ़ी थी, सिर पर टोपी थी, तो उसी तरह आया करते थे। कभी कभी दिल में विचार आता कि शायद यह गुरु नानक या 10 गुरुओं में से कोई एक है, क्योंकि आम तौर पर गुरु नानक जी और 10 गुरुओं की फ़ोटो घर में लगाते थे। आहिस्ता आहिस्ता स्वामी जी के रूप में उनका असली रूप आने लगा, क्योंकि मैंने महाराज कृपाल सिंह जी को नहीं देखा था। इसलिए दिल में विचार आया कि यह कौन महात्मा है। जिन महात्मा बाबा बिशन दास जी, जिनसे मुझे 2 शब्द का भेद मिला था, वह मेरे देखे हुए थे, वह यह नहीं थे। काफ़ी मन में विचार आता रहता कि यह कौन महात्मा है। कई बार जहाँ तक मेरी चढ़ाई थी, वहाँ तक वह स्वरूप मुझे साथ में लेता, लेकिन वह स्वरूप बातें नहीं करता था। जब उन्होंने दया की, अपने आप ही अपने एक खास प्रेमी को भेजा, जिसने आकर यह बताया कि महाराज जी आ रहे हैं, वह मुझसे मिलना चाहते हैं। दिल प्यार से गदगद हो उठा कि महाराज जी आ रहे हैं, क्योंकि मैं किसी सभा सोसाइटी का कैदी नहीं था, कुएं का डड्डू नहीं था। मेरा दिल हमेशा खुला था, इसलिए मैंने कहा हाँ, मैं मिलने को तैयार हूँ। मैं बचपन से ही तैयारी में लगा हुआ हूँ, और जिस महात्मा से मैं मिला, उसने मुझे यही उपदेश दिया कि तुझे देने वाला तेरे घर आएगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज, जिनकी याद में आज हम यहाँ बैठे हैं, मुझे इनके चरणों में बैठने का बहुत मौका मिला।
यह उनकी दया थी, मौका दिया। उन्होंने यह भी कहा कि समय आने पर सेवा ली जाएगी। लंगर से सेवा देने गया तब भी यह कहा कि समय आने पर तुमसे बहुत सेवा ली जाएगी। कहने लगे, तुझे देने वाला अपने आप तेरे घर आएगा। यही वरदान बाबा बिशन दास जी ने मुझे दिया। वह कहा करते थे कि जो कुछ मैंने दिया है इससे ऊपर भी कुछ है, देने वाला तेरे घर आकर देगा। जब मैं चक नारायण सिंह वाला या गोलू वाला में मस्ताना जी को मिला करता था, क्योंकि मैं अक्सर मस्ताना जी के पास जाया करता था। मेरा उनसे बहुत प्यार था, क्योंकि वह बाबा सावन सिंह जी के बड़े शिष्य थे। हमेशा उनकी महिमा गाया करते थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा सावन सिंह जी का यह वाक है कि देने वाला तेरे घर आएगा, क्या वह आप हैं? वह कहने लगे, नहीं, वह महान शक्ति है। उसने बहुत कमाई की हुई है, इतनी कमाई वाला है कि अगर दो तोपे चल रही हों और वह इस तरह हाथ कर दे तो तोप रुक जाएगी। मस्ताना जी कहने लगे कि जिसने सावन शाह की बख्शीश देखनी हो वह मेरे पास आए, और जिसने कमाई देखनी हो वह कृपाल के पास जाए। वह कहने लगे कि वह जरूर आएगा। जब महाराज कृपाल सिंह जी आए, मैंने विनती की कि महाराज आपके मुझे इस तरह एक साल से दर्शन होते थे। पहले आपके सिर पर बाल नहीं थे, टोपी हुआ करती थी, और यही स्वरूप बाद में तब्दील होकर आपके असली स्वरूप में आना शुरू हुआ। अब आप देख लो, संतों में मैं मेरी नहीं हुआ करती। नम्रता उनका श्रृंगार होता है। वह कुल मालिक होते हुए भी गरीब बन जाते हैं। वह किसी लालच के कारण गरीब नहीं बनते, क्योंकि परमात्मा दाता है। अगर कोई उसके आगे गरीब बनेगा तभी वह देगा ना। महाराज जी कहा करते थे कि सुराही तभी झुकेगी अगर प्याला आगे खाली होगा। अगर प्याला पहले ही भरा पड़ा है, सुराही झुक कर क्या करेगी? अगर हम पहले ही अहंकार से भरे पड़े हैं और मैं मेरी हम में भरी पड़ी हैं, तो दया करने वाला हम पर कहाँ दया करेगा? तो महाराज जी ने कहा कि यह सब हुजूर की दया है। उन्होंने सारा श्रेय अपने गुरु को दिया। इसी प्रकार जब एक लड़की ने बाबा सावन सिंह जी आगे खड़े होकर कहा कि मेरी दादी की अंत समय आपने संभाल की, तो सावन सिंह महाराज जी कहने लगे कि अनेकों दादियां मरती हैं, बाबा जी आते हैं, सबकी संभाल करते हैं। उस समय मस्ताना जी बलूचिस्तान से आए हुए थे, जिनके पास कई बोरियां हड्डियों से भरी हुई थी, क्योंकि वहां पर हैजे की बीमारी फैली हुई थी। वह उठकर कहने लगे कि महाराज, यह जो आदमी थे इन्होंने कहा था कि सावन शाह आया है और हम जा रहे हैं, इनकी संभाल आपने खुद की, लेकिन महाराज सावन सिंह जी फिर भी अहंकार में नहीं आए। वह कहने लगे, मस्ताना तू बहादुर है, मेरे कहने का भाव ऐसी महान आत्मा इस संसार में नाम शब्द का होका देकर गई और अपना बूटा लगा कर गई। हमारे उत्तम भाग्य थे, हमें अपनी याद और भक्ति का मौका दिया, क्योंकि अगर उनकी दया ना होती तो हम उनकी याद ही नहीं मना सकते, ना ही हम उनकी भक्ति कर सकते। कलयुग में हम जानते हैं कि जीवों के मन ही नहीं टिकते। इतना समय कहाँ है लोगों के पास कि विषय विकारों को छोड़कर, शराब कबाब को छोड़कर,
प्रभु की तरफ आ जाएं। यह तो उस परम पिता सावन की दया थी कि उन्होंने आकर हमारे तपते हुए दिलों में ठंड बरसाई, अपना भेद दिया, हमारे अंदर प्यार का वह बीज बोया कि हम हर जाति हर मूल के आदमी बड़े प्रेम प्यार से अपने भेदभाव मिटाकर भाई बहनों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार बाबा सावन सिंह जी चलेट में सत्संग दे रहे थे, जहाँ पर राजपूत डोगरे लोग जो कि गुरबानी को समझ नहीं सकते थे वह भी मस्त हुए बैठे थे। सबकी आँखों से आंसू बहे जा रहे थे, सब रो रहे थे कि गुरु नानक जी ने इस तरह की वाणी लिखी है। क्या गुरु नानक जी की वाणी यह कहती है? उनकी आंखों से प्यार टपक रहा था। यह वही जगह थी जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी को कष्ट दिया गया था, उनका घर बार लूटा गया था। महाराज सावन सिंह जी कहने लगे कि जिनके पूर्वज गुरुओं को कष्ट देते रहे, आज उन्हीं की संतान संत मत में आ रही है और उन्हीं गुरुओं की वाणी से प्यार कर रही है। वहाँ पर मास्टर तारा सिंह नागोकी और उधम सिंह जी जो कि सिखों के खास नेता थे, बाबा सावन सिंह से मिलने आए हुए थे। जब उन्होंने डोगरे राजपूत लोगों की यह हालत देखी तो कहने लगे कि हम हैरान हैं कि यह डोगरे पत्थर पूजने वाले लोगों की वाणी से इतना प्यार। महाराज हंस के कहने लगे, मैंने इन्हें वाणी समझा दी है, अब कच्चे कड़े वगैरह पहनाना आपका काम है। आप जब गुरबानी को समझाते लोग हैरानी से रो पड़ते और कहते कि हमें आज पता लगा है कि गुरबानी क्या कहती है। हमारे सतगुरु जी महाराज जब विदेश गए तो लोगों ने पूछा कि महाराज इतने बड़े बड़े बम बने हुए हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। महाराज जी ने कहा कि जो विधर्म ग्रंथ महापुरुषों ने लिखे हैं आप उन पर अमल करना शुरू कर दो। किसी भी महापुरुष ने यह नहीं लिखा कि जात पात का झगड़ा शुरू करके किसी की जान ले लो। उन्होंने हमें जात पात से ऊपर उठने का संदेश दिया, सबको यह समझाया कि जिस परमात्मा की आपको तलाश है वह बाहर नहीं आपके अंदर है। परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा।